Hello everyone, I'm making this video to let you know that what happens in a CHC, that is Community Health Center. तो हमारा एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, जिसमें हम फील्ड में जाकर ग्राउंड वर्ल्ड लेवल पे जाके वर्क करते हैं, ताकि पूरे कम्युनिटी का एज अ होल जो है हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सके. ऑल्सो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा अनअकैडमी में अभी करेंटली कौन से ऑफर्स चल रहे हैं, कौन से स्पेशल कोर्सेज हैं जिनमें आप इनरोल करके नीट की तैयारी शुरू कर सकते हो, या अदर चीज़ों के बारे में भी पढ़ाई कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. माय नेम इज़ दिव्य सागर और आज हम बैच बी के साथ इस कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पे इसकी विजिट पे आए हैं. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह के लेबोरेटरीज़ हैं यहाँ पे, किस तरह से डिलीवरीज कराई जाती हैं वहाँ पे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और मेडिसिन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे सारी चीज़ें सुचारू रूप से जा रही हैं. तो अंदर चलते हैं. जो आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो पढ़ाए थे वहाँ का जो केस कॉम्प्लिकेशन होता है वो सीधे यहाँ पीएससी में रेफर किया जाता है. तो जो 32,000 है इसके तहत 4 पीएससी हैं. नंबर 1 मंझरिया, नंबर 2 वाल्टरगंज, नंबर 3 चिलवनिया, चौथा है आपका पीएससी रामपुर. जो उसके बगल में मंझरिया है, वाल्टरगंज है, चिलवनिया है, चौथा रामपुर. उसके बाद इस पीएससी के तहत छोटे छोटे पार्ट होते हैं जैसे सब सेंटर होते हैं. इस पे हमारी एनम डिलीवरी कराती है, टीका लगाती है. जो डिलीवरी पॉइंट होते हैं वहाँ डिलीवरी होती है, नहीं तो सारे लोगों पर टीका लगाया जाता है. और ये है हमारे यहाँ का कंप्यूटर सेशन. जो सरकार की कोई योजनाएं होती हैं वो यहाँ से लाभान्वित किया जाता है, उनका यहाँ फॉर्म भरा जाता है. जो भी इस अस्पताल का इस पूरे ब्लॉक में जो भी काम होता है सारा ऑनलाइन डाटा यहाँ पर होता है. महीने का जो भी टीकाकरण होता है उन सब का डाटा यहाँ मिलता है. जैसे इस समय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, इसमें पहली बार गर्भवती होने वाली माताओं को 5,000 रुपया दिया जाता है. उसका फॉर्म यहाँ से भरा जाता है. क्षेत्र से आशा भरती हैं, एनम उस पर सिग्नेचर करती हैं, फॉर्म लाती हैं, उसके बाद उसका पेमेंट होता है 5,000. यदि कोई महिला सरकारी संस्थान में डिलीवरी कराती है तो 1,400 रुपया उसको मिलता है, उसकी भी डिलीवरी यहाँ इसका पैसा यहाँ से पेमेंट होता है. यहाँ पे उन लोगों की लिस्ट लगी हुई है जिन्होंने नसबंदी करा लिया लेकिन इनको किसी न किसी वजह से पैसे का भुगतान नहीं हुआ. देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि ज़्यादातर लोगों का आधार कार्ड यहाँ गलत है, या फिर किसी का पति का आधार कार्ड गलत है, या दोनों का ही आधार कार्ड गलत है. तो इसलिए सावधानी से नसबंदी करवाइए. दिस वार्ड इज़ अ ATC वार्ड दैट इज़ अ मेस फॉर द जापानीज़ इंसेफेलाइटिस. जैसे कि हमारा बस्ती रीजन जो आता है दैट इज़ अ हाईली प्रोन टू द जापानीज़ इंसेफेलाइटिस. CHC जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, इसके अंडर में 30 बेड्स आते हैं. ETC के अंडर में 4 बेड्स हैं. और दिस इज़ इमरजेंसी ट्रे फॉर द जापानीज़ इंसेफेलाइटिस एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज़. एजिथ्रोमाइसिन मोस्ट है इस वर्ल्ड में, और ये डॉक्सीसाइक्लिन, बाकी ये सब बस्ती मंडल है. इसमें गोरखपुर बस्ती सिद्धार्थ नगर और ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर एक्चुअली हाईली प्रोन टू द जापानीज इंसेफेलाइटिस. कौन सी मशीन? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. ये ऑलरेडी पूरा सेट है, ठीक है. यहाँ से बटन ऑन कीजिए. बाकी पेशेंट को कितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, जो पेशेंट की जितनी भी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इससे सेट कर देते हैं. अभी ऑन पूरा हो जाए तो दिखाएं. इसमें टाइमिंग भी सेट होता है, जैसे ये 100 मिनट का है जी. 100 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं सेट कर सकते, तो पूरा आप 100 मिनट सेट कर दीजिए. पेशेंट को जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग लगाइए, उतनी देर तक फिर उसको निकाल लीजिए. मैम इसमें पानी है तो जो नॉर्मल वाटर? हाँ नॉर्मल वाटर. इसको 48 घंटे पे चेंज कर देते हैं ना. ओके. 40 करने वाला है. यहाँ से आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं टाइमिंग का, ठीक है. अभी ये 0 पे है ना. यस मैम. और बाकी ये टाइमिंग यही माइनस प्लस वाला है. जैसे इससे आप करेंगे ये देखिए इससे होता जा रहा है, तो इसको 100 तक ही जाता है, 100 मिनट से ऊपर नहीं जाता. और आपको जैसे अगर 1 घंटे के लिए सेट करना है ऐसे ऐसे दबाते रहिए, 60 मिनट हो जाए, ठीक है.
फिर अगर आपको कम करना है तो यहाँ से आप कम कर दीजिए, ठीक, बस यही है। और यहाँ पे ये है, ये 5 लीटर का, ये देखिए जी, इधर ये बना हुआ है, इसको इधर से ऐसे ऐसे आप नीचे ऊपर, जैसे जितने पे जितने लीटर देना है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर दीजिए, ठीक है। ओके मैम। मेरा नाम अश्विनी कुमार मिश्रा है, मैं यहाँ ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक के पद पे हूँ। ये हमारा जो सीएससी मरवटिया है, ये 257,948 पॉपुलेशन को कवर करता है, ठीक है। आइडियली हम पढ़े हुए हैं, आइडियल अंतर्गत 4 एडिशनल पीएससी हैं और 22 सब सेंटर्स हैं और 10 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ये इन सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती है। और आप लोगों को जैसे विशेष किसी योजना या किसी कार्यक्रम से संबंधित जानकारी चाहिए तो बताएं। आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना के तहत जो है, जो गोल्डन कार्ड बनता है उसके लिए अलग से एक आयुष्मान मित्र यहाँ पर रखे गए थे, और जो पहले से जिन लोगों को गोल्डन कार्ड बनना था उसका मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की तरफ से उनका कार्ड बन के आया हुआ था, सबको वितरित करा दिया गया। आयुष्मान गोल्डन कार्ड में जैसे उनका ये क्या प्रक्रिया कैसे बनता है, प्रक्रिया है कि जैसे उसमें एक मानक होता है कि इसने मानक के बिहाब पे जो है उसका गोल्डन कार्ड बनेगा, मतलब एक गरीबी श्रेणी में जो रहेंगे बीपीएल, जिसका उनको 5 लाख का बीमा हो जाता है, लाभ मिलता है। एक ये मातृत्व सेवाओं है तो एक केस सीट है, डॉट लगाएंगे, ठीक है, डॉट बनते जाएंगे, 4-4 घंटे पे इसका पी भी करेंगे, खाली ये चीज 4-4 घंटे पे होगा और ये सब आधे घंटे पे होगा, मतलब हर 4-4 घंटे में देखें, हम बीबी करके देखेंगे डायलेशन होगा, किसी किसी का बहुत जल्दी हो जाता है डायलेशन, जो 10 सेंटीमीटर तक नहीं हुआ तो यहाँ से मतलब 4-4 घंटे पे देखेंगे। जब डिलीवरी होती है तो उसको आईसीडी लगता है, तो एपिजाइना को करते हैं, यूट्राइन साउंड ये अंदर तक ले जाते हैं कि कहाँ तक हो रहा, ये जबरदस्ती नहीं करेंगे नहीं तो फट जाएगा, ये स्पेजिंग होल्ड है, इसको क्लीन डिजाइनर को क्लीन करेंगे। है ये वर्सलम है, यूट्रस को ऊपर करेगा पकड़ के इसको कट करने के लिए, किसको दूंगा पैदा होता है तो अगर ठंड में पैदा होता है तो इसमें लिटा देते हैं, और फिर ये वार्मर है और ये वाले वेइंग मशीन है, जब बेबी आउट होगा, बेबी आउट होने के बाद उसको क्लीन करके तुरंत बच्चे को लाके इसमें आधा घंटा पहले इसको वार्मर को ऑन कर देते हैं, डिलीवरी होने से पहले वॉश करवाते हैं बच्चे को, नहीं नहीं वो तो वैसा होता है, हाँ वो तो दाई तुरंत क्लीन कर देती है वही पेट पे ही, उसके बाद उसको कट करके लाके यहाँ आधे घंटे पहले इसको वार्मर को ऑन कर देते हैं, उसके बाद बच्चे को लाके यहाँ पे लिटा देते हैं, गर्मी में नहीं जरूरत पड़ती है, ठंडा बच्चे को जब वो पहले म्यूकस जैसे वो गंदा पानी पी लिया है तो पहले म्यूकस रिस्ट्रिक्टर से उसको क्लीन करेंगे, नहीं होता है तो पीछे से रफिंग करेंगे, तब भी नहीं होता तो इसको हम उसके बाद एम्बो करेंगे उसको, और नहीं एम्बो से कवर हुआ तो यहाँ से हम उसको बच्चे को रिफर कर देंगे ऑक्सीजन लगा के,
गंदा पानी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड बेबी ट्रे में क्या है? ये है मेरे को सिस्टर का म्यूकस एक्सट्रैक्टर। हाँ, अगर हमारे बच्चे ने पी लिया तो पता किस नहीं करेगा मतलब सांस नहीं सही से तुरंत कराई नहीं करेगा। बच्चे पैदा होते रोते नहीं है तुरंत नहीं ये अजीब ऑक्सीजन के लिए ये ऑक्सीजन ये वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने लिखा हुआ ना पीला से ये 9 महीने से अगर ये सारे टीके लग गए तो उस बच्चे को हम मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं होगा। अगर 16 से 24 महीने का भी टीका लग गया तो ये कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो गया। देखो इसको चार्ट में देखो ओपन वायर पास इतनी वैक्सीन है वैक्सीन सारी गई हमने दे दिया नहीं लगा कुछ आ रही अधूरी लगी कुछ वापस आ गई ठीक है। ओपन वायर पाइप पॉलिसी मीन्स ये है कि जो वैक्सीन वापस आवे उसको फिर हम सत्रों पे भेजते हैं पुनः भेजने लायक है वो ओपन वायर पॉलिसी में। ओपन वायर पॉलिसी में सारी वैक्सीन नहीं आपकी टेटनस है पोलियो है जितनी घोलने वाली वैक्सीन है वो ओपन वायर पॉलिसी में नहीं है। घोलने वाली वैक्सीन आपकी ऊपर से आ जाइए BCG है MR है और JE ये तीन वैक्सीन आपकी घोलने वाली वैक्सीन है ठीक है। घोलने वाले के लिए दो चीजें यूज किया जाती है नॉर्मल लाइन और डिस्टिल्ड वाटर। देखो आपका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है समुद्र से ना ओशन से हुआ है ना यानी कि जन्म के समय आपका जो नॉर्मल सलाइन हम यूज करते हैं उसके डिजॉल्व करने के लिए किसको और डिस्टिल्ड वाटर से मेजर ये BCG डाइल्यूएंट है ठीक है। अब इस पे क्या लिखा है आप पढ़ो जरा सा चश्मा मेरा चश्मा हो सकता है काम ना कर वो थोड़ा ज़्यादा लिखा होगा जो भी उसका सोडियम फ्लोराइड और ये किस चीज़ का डाइल्यूएंट है ये जापानी से ब्रज का डाइल्यूएंट है। इस पर क्या लिखा हुआ देखो इस पर कुछ लिखा ही होगा ये JE का डाइल्यूएंट है ये है आपका MR का ये MR का डाइल्यूएंट मिजल्स रूबेला इसमें बोला जाता है इसको हम एक साथ पैक करके इसलिए देते हैं कि हमारी एनम्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हैं कि डाइल्यूएंट में किसी का किसी में बोल देंगी इसलिए हम BCG का BCG के साथ देते हैं MR का MR के साथ उसको एक पैकेट बना देते हैं कि गड़बड़ ना हो। इसके अंदर आइस लाइन यहाँ पे इसके अंदर होगी ये अगर हटाया जाए तो इसमें दिखेगा सबसे नीचे से शुरू करते हैं ठीक है। ILR भी नीचे से शुरू करते हैं नीचे जैसे आपको हम दिखा दें उसी क्रम में रखा भी गया है ये पोलियो है पोलियो देखिए इसमें सबसे नीचे पोलियो रखा है उसके ऊपर MR रखा हुआ फिर BCG रखा हुआ है फिर रोटा वायरस रखा हुआ है टीडी आंसोवाट जो भी है पोलियो नीचे रखा जाएगा नीचे का टेम्परेचर बहुत मिनिमम होगा यानी बहुत ये समझ लीजिए कि जमने की स्थिति अगर बहुत ज़्यादा रख दिया जाए तो जम भी जाएगा ठीक है। नीचे ये अगर जम भी गया तो पोलियो एक ऐसी वैक्सीन है कि जमने के बाद ये फिर लगाई जा सकती है फिर आप थोड़ी देर रख दो आप लगा सकते हो उसको बाकी वैक्सीन अगर जम गई तो नहीं लगाई जा सकती है। अभी ये BCG वैक्सीन है ये बहुत थोड़ी सी दिख रही दिखने में कुछ नहीं है आप हाथ पे लेके देखोगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा है क्या इसमें। जिस भी वैक्सीन का मॉनिटर ऊपर होता है वो ना तो ओपन वायर पॉलिसी में है दोबारा यूज नहीं की देखो इसका VVM कहाँ पे है दिख रहा ना ये रोटा वायरस है
लाल रंग की है, इसका भी BBM ऊपर है, इवन ये लिक्विड है। हमने आपको बताया जो वैक्सीन भोली जाती है वो भी हमारे पॉलिसी में नहीं है। आपसे कोई पूछ सकता है कि रोटा तो भोली नहीं जाती, ऑलरेडी लिक्विड है, तो ये क्यों नहीं ऊपर है पॉलिसी में? आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए, इसकी इसका भी BBM ऊपर है, चक्कर निकल गया। BBM खत्म, BBM मतलब वैक्सीन वायर मॉनिटर की वैक्सीन ये सही लगाने लायक है, देने लायक है या नहीं है, इसी से मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। बाकी कोई इसका दूसरा चारा नहीं, अगर ये खराब हो गया BBM तो पूरी वैक्सीन हम बंद इसको डिस्कार्ड करें। रोटा वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसको आप ओपन वायर पॉलिसी में नहीं रखेंगे जबकि वो लिक्विड है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी ओपन वायर पॉलिसी में है कि नहीं है? वहाँ मत देखो, इधर देखो, है क्योंकि इसका BBM यहाँ है, ठीक है। बड़ी कॉमन सी चीज, BBM यहाँ नहीं है, यहाँ से खोल के आप लगा दोगे ओपन वायर पॉलिसी में। ओपन वायर पॉलिसी में है तो क्या आजीवन यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, फिर इसका भी कोई होगा तरीका, कब तक यूज करेंगे? डॉक्टर मुन्ना, ठीक है, ओपन वायर पॉलिसी वैक्सीन को 28 दिन तक यूज करते हैं अगर वो है, ठीक है। अगर आपके पास बची हुई है 28 दिन तक, इस पर डेट एंड टाइम पड़ता है, ये आपकी है IPV, ये टिटनस टॉक्साइड है, यानी TD, टीटी आप TD कर दिया, ये भी ओपन वायर पॉलिसी में 28 दिन तक स्ट्रिक्टली इसको हमें वॉच करना है, दिस इज माई रोल। अगर 28 दिन के बाद वैक्सीन मेरे पास ओपन में मिली तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं, कि आप क्या कर रहे हैं 28 दिन के बाद इसको लगाने नहीं, भले इसमें भी टेम्परेचर लगा हुआ है, देखिए डीप इसका कितना होना चाहिए, -15 से -25। सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, तो ये सावधानी इसका मेन टेम्परेचर पे ही है, यहाँ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और बेनिफिशरी तक पहुँचने में अगर कोल्ड चेन ब्रेक हो गया तो वैक्सीन का कोई अर्थ नहीं। कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग से, जहाँ से कंपनी से बन रही है। इसमें क्या, अभी आपको हमने बताया कि लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है वो रखी है, ठीक है, पोलियो भी इसके ऊपर रख सकते हो, बाकी वैक्सीन को इसमें रखना नहीं है। इसके बारे में जरूर पूछेंगे कि भैया ऐसा क्यों कर दिया, कोई चीज़ क्यों नहीं हो ना भाई, इसको तो बने रखना चाहिए, जैसे ऐसे इसमें सब के सब भाई जान पूछा जाता है, यहाँ दो छेद कराए यूज बनाया क्यों किया, ठीक है। और इसमें भी देखिए यहाँ भी निशान कहीं होगा, यही तक ही पानी भरा जाता है, कोई यहाँ लिखा मिनिमम से मिलता है, ये भी जमा है, इसको डायरेक्ट उसमें रखते नहीं है। सर उस दिन बता रहे थे, देखिए अभी काबिल है, सबको याद है थोड़ी खनखनाहट, ये जब बजनी है उनको बज रहा है, हम क्या करते हैं सुबह आते हैं तो सारे को निकाल करके से टेबल फैला देते हैं, उसको बोलते हैं सर कंडीशनिंग करना, कंडीशनिंग। वैसे आपको जो नहीं जानकारी है वो तो बता देंगे साहब, इसको रख दिया जाता है बजने लगे आवाज़ सुनाई दे, लेकिन इसको कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको पोंछते हैं कपड़े से और उसको उसमें प्लेस करते हैं, उसके बीच में पेपर में करके वैसे ऐसे रख दिया, देखो वहाँ रखा हुआ है, बदल करके दिखाया हुआ है, वो कंडीशनिंग के लिए, देखो आइस पैक कंडीशनिंग के लिए दिखाया हुआ, टेबल लगा हुआ उसमें फैला हुआ आइस पैक, देखो सामने, ठीक है, वही कंडीशनिंग। ये टेम्परेचर बताएगा, देखो 5.4 है, जैसे आई आर होता वो जैसे आई आर आई, ठीक है, ठीक है, ठीक है? कितने रोज की वायल है? 5 to 10। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी टेम्परेचर यहाँ 2 to 8 ही होना चाहिए, देखो हरा वाला है, यहाँ देख के हमें लिखना नहीं, अभी बढ़ जाएगा, हमें इसको देख के लिखना,
ठीक है। सेम चीज़ है, ये खड़े में है थोड़ा सा वो। हाँ एक चीज़ नई सर आ गई है, एनएम का नाम लिखा है वो। ये सर फ्रीज फ्री है, फ्रीज फ्री। जैसे अभी आपने देखा वहाँ कैरियर कैसा था, वो उसमें कंपार्टमेंट नहीं, ठीक है। अब इसको कंडीशनिंग नहीं करना है, ये डायरेक्ट जमा हुआ इस पे इसमें लग रख दिया जाएगा। इतनी मोटी लेयर है इसमें, ऐसा क्यों किया गया जिससे वैक्सीन खराब ना हो। आपकी सिरिंज है 5 ml की सिरिंज है, इससे घोली जाती है। अभी आप ECG हुआ, आपका JE हुआ, तो इससे घोलना है, ठीक है। लगाना किससे है ये देखिए, ये BCG सिरिंज है, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा सिरिंज। वो इंसुलिन सर मेरे ख्याल से इंसुलिन लगती है। ये BCG लगाई जाती और इसी से लगाई जाती है IV। और कितना लेना है, 0.1। हेलो, थैंक यू सर। This was our visit. ये हमारे CHC की रखवाली है, जब से हम यहाँ आए हैं बड़ा प्यार दिखा रही है, हमारे पैर पड़ रही है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं कैसे पैर पड़ रही है। बड़ा प्यार आ रहा है, कल हम फिर इससे मिलने आएंगे। और देखिए कैसे पूछ ला रही, बड़ा लगा हो गया है कुछ ही समय में। Let me tell you something about an academy. It's a sad news, क्योंकि सारे के courses के prices hike होने वाले हैं। तो इट्स एडवाइजेबल फॉर यू कि इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, आप अगर उन कोर्सेज में इनरोल करते हो तो यू कैन सेव अ बिट ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल अगर 24 मंथ्स का कोर्स जो है उसकी प्राइस जो है करेंट प्राइस है 56,000 विच इज़ गोइंग टू बी 61,600। सो इफ यू इनरोल बिफोर दैट प्राइस हाइक यू कैन सेव 5,600। Also, a good news after a bad news, that the good news is that for NEET 2023, revision is going to start from 1st of December by your favorite teachers like Nikhil Mishra, Garima Ma'am and Dr. Kapilesh Sir. So what are the benefits of having an iconic subscription is that you have live doubt solving sessions, live mentoring sessions, and you can have physical notes. Right, plus all the features of plus subscription. Also, it's very easy to ask doubts on an academy, and you can ask unlimited number of doubts at any point of time, and you can get the accurate and exact matches for your questions. Plus, now you all know about this an academy comeback. It's a weekly NEET UG scholarship test in which you can enroll for free if you use my code Divyasagar. It's a 60-minute and 28-question test. You can give this test every Sunday at 11 a.m. Also, if you score high, if you score good, you can get exciting scholarship from a pool of 4 crores. Also, there are separate contests for class 11th, 12th and for 13th. So these were things about an academy. So I hope you really enjoyed the video. कुछ इसी तरीके का हमारा experience होता है एक normal day में, जब कभी भी हम किसी visit पर जाते हैं तो. So see you in the next video. Till then, goodbye, take care, and we'll meet soon again in the next video. Tada, bye.